अब इसके कहानी सुनाने पर भी पाबंदी है। पहले चार नाम रखे मैंने खेल के, शाह साहब ने मंजूर नहीं किए। पहले मैंने लेकर नाम रखा घर नंबर 804, तो शाह साहब ने कहा अनवर साहब ये 804 की क्या जरूरत थी आपको रखने की, एक्सटेंशन नाम रखूँ? तो कह लगे कि नहीं, एक्सटेंशन अच्छा नहीं है नाम, अडियाला बना आया रे। तो कह लगे हरियाला बना ठीक है, आपने अडियाला बना क्यों कर दिया? लेकर नाम मैंने हाफिज जी रखा। तो कहने लगे अनवर साहब आप ऐसा करें साल भर के लिए छुट्टी कर लें, फिर आएँ कोई प्ले लेके। शाह साहब ने कहा कि ये जो हथकड़ी शायद बचपन में अनवर ने कोई इशारत की होगी तो हाथों में हथकड़ी पड़ गई होगी, बचपन में हाथों में हथकड़ी पड़ी, बुढ़ापे में जबान में हथकड़ी पड़ गई। ये खेल मैंने लिखा है। मुझसे दावर ने कहा अनवर भाई ये खेल फौज के खिलाफ तो नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। ये खेल आईन के खिलाफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये खेल इस हुकूमत के खिलाफ तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। केयर टेकर के खिलाफ तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। कोई मजहबी कोई? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगा कि जो कुछ आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सीधा हाथ उठाइए। मैंने कहा नहीं। तो ये खेल मैंने लिख दिया है। और अब इसके कहानी सुनाने पर भी पाबंदी है। पहले चार नाम रखे मैंने खेल के, शाह साहब ने मंजूर नहीं किए। पहले मैंने लेकर नाम रखा घर नंबर 804, तो शाह साहब ने कहा अनवर साहब घर हजारों नंबर हैं घरों के, ये 804 की क्या जरूरत थी आपको रखने की? तो मैंने कहा शाह साहब जरा मज़ा आएगा 804 के घर नंबर 804। तो कहने लगे कि नहीं इसको अनवर साहब ये मत करें। फिर मैंने कहा अच्छा एक्सटेंशन नाम रखूँ? तो कहने लगे कि नहीं एक्सटेंशन अच्छा नहीं है नाम, मत रखें आप ये भी। तो वो भी कैंसिल हो गया। फिर मैंने कह लगे शादी ब्याह का प्ले बनाएं, गाना वाना हो उसमें बजिया की तरह गाने हो। तो मैंने कहा चले मैं एक शादी का मजाकिया प्ले बना देता हूँ, तो नाम उसका होगा अडियाला बना आया रे। तो कहने लगे हरियाला बना ठीक है, आपने अडियाला बना क्यों कर दिया? तो ये भी चेंज कर दिया। मैंने 9 प्लेस के नाम चेंज किए हैं। फिर एक बच्चा, एक साहब आते हैं कुरान शरीफ पढ़ाने, एक बच्चों को, यंग लड़का है, उसका अफेयर उस घर में एक बच्ची से चल जाता है। तो फिर प्ले का नाम मैंने हाफिज जी रखा। तो कहने लगे अनवर साहब आप ऐसा करें साल भर के लिए छुट्टी कर लें, फिर आएँ कोई प्ले लेके। फिर मैंने ये हाउस अरेस्ट रखा, शाह साहब को सुनाया मैंने, और फिर शाह साहब ने कहा कि ये ठीक है नाम, तो ये नाम है। दिल तो चाह रहा है कुछ सुनाने को कहानी, मगर सुना नहीं सकता, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। बड़े मज़े की कहानी है, सीधी सादी कहानी है, किसी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मज़ा आएगा देख के, बस देखते इस पर। अनवर भाई मैं आपको जॉन साहब का एक शेर सुना दूं जो आप कहना चाह रहे हैं। जी हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर बोलता हूँ तेरी हिमायत में, हिमायत में सोचता हूँ तेरी हिमायत। कहने लगे ऐसा न लिखे आगा हशर की तरह लिखे ताकि आपका हशर नशर ना हो। तो मैंने कहा नहीं शाह साहब कुछ नहीं लिखा है, एक हल्की सी कॉमेडी लिखी है मैंने, और देखे मज़ा आएगा आपको देख के। ये उनकी तहरीक इंसाफ की सपोर्टर है, दोनों अंदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसमें सियासतदान से कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका, इस प्ले का इसमें प्ले में कोई पॉलिटिक्स ही नहीं है इसमें, सोशल प्ले बिल्कुल, क्योंकि नाम कोई और मिल नहीं रहा था, कोई पास नहीं हुआ तो मैंने ये रख दिया। तो 704 तो कहने लगे कि नहीं इसको बस आप ये मत करें। फिर मैंने कहा अच्छा एक्सटेंशन नाम रखूँ? तो कहने लगे कि नहीं एक्सटेंशन अच्छा नहीं है नाम, मत रखें आप ये भी। तो वो भी कैंसिल हो गया।
फिर मैंने कह लगे शादी ब्याह का प्ले बनाएं, गाना वाना हो उसमें, भैया की तरह गाने हो। तो मैंने कहा चले मैं एक शादी का मजाकिया प्ले बना देता हूँ। तो नाम उसका होगा अडियाला बना आया रे। तो कहने लगे हरियाला बना ठीक है, आपने अडियाला बना क्यों कर दिया? तो ये भी चेंज कर दिया। मैंने 9 प्लेस के नाम चेंज किए हैं। फिर एक बच्चा, एक साहब आते हैं कुरान शरीफ पढ़ाने, एक बच्चों को, यंग लड़का है, उसका अफेयर उस घर में एक बच्ची से चल जाता है। तो फिर प्ले का नाम मैंने हाफिज जी रखा। तो कहने लगे अनवर साहब आप ऐसा करें साल भर के लिए छुट्टी कर लें, फिर आएँ कोई प्ले लेके। फिर मैंने ये हाउस अरेस्ट रखा, शाह साहब को सुनाया मैंने, और फिर शाह साहब ने कहा कि ये ठीक है नाम, तो ये नाम है। दिल तो चाह रहा है कुछ सुनाने को कहानी, मगर सुना नहीं सकता, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। बड़े मज़े की कहानी है, सीधी सादी कहानी है, किसी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मज़ा आएगा देख के, बस देखते इस पर। अनवर भाई मैं आपको जॉन साहब का एक शेर सुना दूं जो आप कहना चाह रहे हैं। जी, हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर बोलता हूँ तेरी हिमायत में। हिमायत में सोचता हूँ तेरी हिमायत। कह लगे ऐसा ना लिखे आगा हशर की तरह लिखे, ताकि आपका हशर नशर ना हो। तो मैंने कहा नहीं शाह साहब कुछ नहीं लिखा है, एक हल्की सी कॉमेडी लिखी है मैंने, और देखे मज़ा आएगा आपको देख के। ये उनकी तहरीक इंसाफ की सपोर्टर है, दोनों अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसमें सियासतदान से कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका, इस प्ले का इसमें प्ले में कोई पॉलिटिक्स ही नहीं है इसमें, सोशल प्ले बिल्कुल, क्योंकि नाम कोई और मिल नहीं रहा था, कोई पास नहीं हुआ तो मैंने ये रख दिया। तो दो खवातीन की कहानी है बस।